अब बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम बता रहा हूं आपको। सभी चाहते हैं उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी हो, उनका कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल का हो, जिससे कि थोड़े समय आप पढ़े और आपको सब कुछ याद हो जाए। तो मेमोरी को शार्प करने के लिए, कंसंट्रेशन आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए, कोई भी आपके मन में गलत विचार ही नहीं आएगा, यह बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। नहीं तो बहुत से लोग बैठे कहां ही होते हैं, प्रेजेंट बॉडी अब्सेंट माइंड, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा दिमाग में चलता रहता है। नहीं, आप कंसंट्रेट करके अपने ध्येय में जब लगोगे तब आपको सफलता मिलेगी। उधेड़बुन में जीने से जिंदगी में कोई बड़ी चीज आप हासिल नहीं कर सकते। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जबरदस्त है ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। हमारे शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं, बड़ा महत्व, बहुत ही रहस्यपूर्ण है अपना ये शरीर। इसमें 5 कोष हैं, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में। 5 प्राण हैं, उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान। और ये मैंने कहा एक एक सेल, वन सेल इक्वल टू वन बॉडी एंड वन बॉडी इक्वल टू वन यूनिवर्स। बहुत रहस्यपूर्ण हमारी रचना। इस शरीर को संभालने के लिए, संवारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, मस्तिष्क को अनुलोम विलोम बहुत बेहतर है। ऐसे बैठते हैं, ये 5 उंगलियां 5 एलिमेंट्स का को रिप्रेजेंट करती हैं। ये थंब जो है ये अग्नि को, फायर को, ये जो पहली उंगली है ये एयर को, ये बीच वाली उंगली है ये आकाश को, और फिर ये वाली जो उंगली है ये पृथ्वी तत्व को, अर्थ को, और ये छोटी वाली तो सबको पता ही है जल तत्व को प्रतिनिधित्व करती है। खैर, ये 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे बैठने से ध्यान मुद्रा, ऐसे बैठने से वायु मुद्रा, ऐसे बैठने से शून्य मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा, ये वरुण मुद्रा, ये शक्ति अपान। शक्ति मुद्रा होती है जिनमें वीकनेस है उनके लिए, अपान मुद्रा होती है जिनकी बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, ये ध्यान मुद्रा होती है स्ट्रेस फ्री होने के लिए, मेडिटेशन के लिए, और ये ब्रेन को शार्प करने के लिए। ये वायु मुद्रा होती है गैस्ट्रिक के लिए और जिनको अर्थराइटिस है, ज्वाइंट पेन है उनके लिए। तो ऐसे बैठ करके ही आप प्राणायाम करें तो ज्यादा बेहतर है, ऐसे या ऐसे। ध्यान मुद्रा में बैठने से हमारा ब्रेन शार्प होगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और हमारी बुद्धि सात्विक होगी, हमारा मन उसमें दिव्यता रहेगी, डिविनिटी रहेगी। खैर, ये वायु मुद्रा अर्थराइटिस ज्वाइंट पेन के लिए। ऐसे ही कोई भी प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जायी, और ये अनुलोम विलोम। अब आइए अनुलोम विलोम करेंगे। सब दाएं हाथ उठाइए, रेज योर राइट हैंड, क्लोज योर राइट नॉस्टिल फास्ट, इनहेल थ्रू योर लेफ्ट नॉस्टिल। अब लेफ्ट नॉस्टिल को क्लोज कर लेना है बीच की दो उंगलियों से और राइट से बाहर छोड़ना है। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। सब करेंगे भाई और बहने, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। अभी आप थोड़ा इसको कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए इससे होता क्या है, आप देखना। अभी भी आपको यदि कोई स्ट्रेस होगा ना, एकदम गायब हो जाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट है इसका। स्ट्रेस फ्री, डिजीज फ्री, ड्रग फ्री, वायलेंस फ्री लाइफ जीने के लिए। मैं कह रहा था ना, आपको सबको चाहिए स्वास्थ्य, हेल्थ, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी एंड पीस, ये सबको चाहिए। ये सब हमारे भीतर है। आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपका ब्रेन तो शार्प होगा ही, इसके साथ साथ स्ट्रेस फ्री होंगे ही आप, आपका कंसंट्रेशन आईक्यू लेवल बढ़ेगा। जिनको हाइपरटेंशन हो, हार्ट की प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो, न्यूरो डिसऑर्डर्स हो, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो, बीमारी का कोई भी कारण हो, कीजिए आप थोड़ी देर कंटिन्यूअस इसको फॉलो कीजिए, 3 to 5 मिनट्स कंटिन्यूअसली एक बार करके देखिए। पांच सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, यही रिदम रहे, एक रिदम, एक लयबद्धता, और आप देखेंगे अपने आप ही सेल्फ मेडिटेशन हो जाता है, सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिलाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन,